बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर आज के वीडियो क्लास सेवन के लिए है चैप्टर थर्टीन है सर्कल्स एंड एक्सरसाइज थर्टीन ए है क्वेश्चन हम इसका सेवन स्टार्ट करते हैं ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एक हमने सर्कल ड्रा करना है जिसका रेडियस थ्री सेंटीमीटर है शेड द माइनर सेगमेंट फॉर्म्ड विद पी एज अ कॉर्ड ऑफ द लेंथ टू सेंटीमीटर अब हमने एक सर्कल ड्रा करना है जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और फिर से हमने माइनर आर्क माइनर सेगमेंट जो है ना वो पी क्यू लगानी है और जिसकी लेंथ होगी 2.5 सेंटीमीटर तो सबसे पहले मेन जो हमारा काम है वो एक सर्कल को ड्रा करना है ठीक है अगर आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी आप जाके वो भी चेक कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रा करना है जिसका रेडियस 3.5 पॉइंट फाइव सेंटीमीटर अब रेडियस बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास को, कोई भी अगर सर्कल मौजूद है ठीक है तो उसका जो इतना वाला पार्ट होता है ना फुल नहीं जो सिंपल हाफ वाला पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं रेडियस ठीक है जब टू रेडियस पर मिलते हैं तो क्या बनता है एक एक जो है ना डायमीटर बनता है ये हमारे पास रेडियस होगा ये एक सर्कल है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है ना ये एक रेडियस है तो 3.5 सेंटीमीटर का हमने ओपन कर लेना सबसे पहले तो आपने कंपास में एक नॉर्मल साइज साइज की की जो है पेंसिल इंसर्ट करनी और ऐसे इंसर्ट करनी है कि दोनों की टिप जो है ना वो इक्वल हो ना ही ऊपर हो ना ही नीचे हो ठीक है बिल्कुल इक्वल जैसे कि आपको नजर आ रहा है वीडियो में तो सिंपल आपने क्या करना है थ्री पॉइंट फाइव की ओपन करनी है मैं आपको बता देती हूँ ये थ्री है ठीक है ये थ्री है और ये फोर है तो सेंटर में जो आपको थोड़ी सी लंबी लाइन नजर आ रही है वो फाइव है यानी कि फाइव पॉइंट वन टू थ्री फोर फाइव थ्री पॉइंट फाइव यहाँ तक है तो अब आप ओपन कैसे करोगे एक जो है ना आपका होना चाहिए जीरो के ऊपर एक होना चाहिए आपका थ्री पॉइंट फाइव तो इतनी मैंने ओपन कर लिया है अब आप सिंपल क्या करोगे कोई भी सेंटर सेलेक्ट कर लोगे सेंटर सेलेक्ट किया ठीक है और उस पर बिल्कुल फिक्स कर देना है अब आपने एक सर्कल ड्रा करना स्टार्ट कर देना है हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया इसको आप नेम दे दो ओ ठीक है और रेडियस का जो है ना वो साइन आपने ड्रा कर लेना है कि ये एक रेडियस है। रेडियस है, पास कितना है? आर इज इक्वल थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर तो इतना ही हमने सर्कल ड्रा कर लिया ओके okay, नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट काम क्या करना है द

फिर उसकी लेंथ कितनी है टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर की आपने क्या लेने, आप कहीं भी बना सकते हो तो 2 .5 की आप एक टच कर लेंगे एक को जीरो पे रखना है और दूसरे को रखना है टू पॉइंट फाइव पे तो ये हमारे पास टू पॉइंट फाइव की एक जो है वो लेंथ आ गई अब आपने इसको कैसे लेना है इसको थोड़ा सा रेज कर लेते हैं अच्छा अब आप यहाँ पे सर्कल uh, के ऊपर किसी भी पॉइंट को टच कर सकते हो ठीक है आप इसके करीब करोगे तो आप यहाँ पे आपकी आर्क आ जाएगी यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे आ, आ जाएगी आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप किसी भी जगह पे इसको ले सकते हो तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ यहाँ पे एक सेंटर फिक्स कर लिया जो कि सरकम सर्कल का सिरकम के ऊपर ही आ रहा है उसको सिलेक्ट किया ठीक है और एक आर, आर्क लगाई जो कि इस सर्कल के सरकम को किसी एक और पॉइंट पे कट कर रहा है इन पॉइंट को मैं हाईलाइट कर देती हूँ ये एक पॉइंट है और एक ये पॉइंट जो इंटरसेक्टिंग के साथ आया है एक का नेम है P बिकॉज उन्होंने खुद से बोला है और एक का नेम है Q और जब हम इन दोनों को अटैच करेंगे तो ये हमारे पास एक माइनर सेगमेंट बन जाएगा ठीक है तो ये हमारे पास एक माइनर सेगमेंट आ गया और साथ ही साथ उन्होंने बोला था कि शेड भी करना है तब हम सिंपल इसको शेड कर लेते हैं आप चाहें तो आप इसको पेंसिल से भी कर सकते हैं तो ये हमारा हमने सारी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको ड्रा कर लिया अब आप पे डिपेंड कर रहा है वैसे तो जरूरी नहीं है कि आप इसकी स्टेटमेंट लिखें लेकिन एक दफा हम लिख लेते हैं ताकि जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए तो सबसे पहले हमने ओ सेंटर के साथ सर्कल क्रिएट किया विथ ओ सेंटर ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर फिर पी क्यू जो है ना वो हमने एक आर्क एक कोड से ड्रा की थी तो फिर फर्स्ट स्टेप में यह की सेकंड स्टेप आप लिख दो माइनर सेगमेंट भी आप लिख सकते हो ड्रा आ कोड ऑफ 2.5 सेंटीमीटर या इसकी जगह आप कोड पी क्यू इज इक्वल टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर थर्ड में हमने क्या किया था सिंपल शेड कर दिया था जो माइनर सेगमेंट था तो यही स्टेटमेंट हम उठाकर लिख देते हैं शेड दे माइनर सेगमेंट अच्छा जी जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर एट है उसको भी पढ़ लेते हैं स्टेट विच ऑफ द शोन इन द फिगर आर इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल और ऑन द सर्कल अब एक फिगर दी हुई है ये बुक के ऊपर भी दी होगी आपको ठीक है तो सेम एज इट इज मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया अब उन्होंने पूछा हुआ है कि जो फिगर दी हुई है उसके ऊपर जो पॉइंट्स हैं अब बताने हैं कि कौन कौन से इंटीरियर पॉइंट्स हैं इंटीरियर कहते हैं अंदर इन से हमें पता चल रहा है अंदर यानी कि जो सर्कल के अंदर पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं और एक्स यानी कि बाहर वाले जो हैं वो कौन से एक्सटीरियर पॉइंट्स और ऑफ द सर्कल और पॉइंट्स ऑन द सर्कल और सर्कल के ऊपर कौन से पॉइंट्स हैं ठीक है थीका? हम सारे यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेते हैं तो सबसे पहले हमने इंटीरियर पॉइंट्स यहाँ पे लिख लिया जो कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिखे हुए थे तो इंटीरियर का मतलब है कि सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो ये एज अंदर नहीं है ये पॉइंट के ऊपर है ये सर्कल के ऊपर है ठीक है तो बाकी ये चार हमें नजर आ रहे हैं जो कि अंदर है सर्कल के तो सिंपल आप लिखोगे ए सी डी एंड जी आर इंटीरियर पॉइंट्स तो इंटीरियर आर इंटीरियर पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने उसको स्टेटमेंट में पहले ही लिखा हुआ है अगर आप नहीं लिखना चाह रहे सिंपल लिखोग ए सी डी जी आर इंटीरियर पॉइंट्स ठीक है और बुक के अगर पीछे आप देखोगे ना तो ई e को भी उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है जो कि गलत है आपने ई e को इंक्लूड नहीं करना ई जो है ना वो सर्कल के ऊपर है एक्सटीरियर पॉइंट कौन से हैं जो कि सर्कल के, के बाहर है अगर इसको देखें तो ये भी पॉइंट के ये भी सर्कल के ऊपर है ई e को देखें तो ये भी किसके ऊपर है सर्कल के ऊपर है तो इस चीज का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो है ना सर्कल के ऊपर कौन से है सर्कल के अंदर कौन सा है सर्कल के बाहर कौन सा है तो बाहर कौन से हमें एक बी नजर आ रहा है और एक एफ तो आप सिंपल लिखोगे एक्सटीरियर पॉइंट इज इक्वल बी एंड एफ ठीक है ऑन द सर्कल पॉइंट्स हमारे पास क्या है एक एच है और एक ई e है तो आप यहाँ पे ई और एच लिख दोगे ठीक है जो इंटीरियर पॉइंट है ना उसमें एक चीज उन्होंने एक्स्ट्रा की हुई है पीछे बुक में जो आंस है ठीक है आपने इसको ध्यान से करना है कि ई हमारे पास जो है वो इंटीरियर पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है वो ऑन द सर्कल है ठीक है